सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। नरेंद्र मोदी गुरुवार को दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मंगलवार को दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की। यह तस्वीर बहुत अलग और दिलचस्प है। पीएम मोदी ने जो तस्वीर शेयर की है उसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने हाथों से मोदी को कुछ खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने मोदी को क्या खिलाया इसके बारे में ट्वीट में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मोदी के एक हाथ में टिश्यू पेपर है। ऐसे में क्या कोई रसदार मिठाई खिलाकर पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी है, ऐसा माना जा सकता है। वहीं पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, प्रणब दा से मिलना हमेशा अच्छा तजुर्बा रहता है। उनकी जानकारी और अंतर्दृष्टि बेमिसाल है। वे ऐसे स्टेट्समैन हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्र को बहुत कुछ दिया है। यह लिखते हुए मोदी ने आगे बताया कि आज की मुलाकात में प्रणब मुखर्जी से आशीर्वाद लिया। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज़ की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के लिए।